वेलकम टू बैक, फिर से आपकी और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस देख सकते हैं कि मैं फाइनल अपने सेंटोसा की ओर पहुंच चुका और आप लोगों के बीच में थोड़ा सा व्यू दिखाना चाह रहा। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी सा एक सिंगापुर मॉडल के एक पार्क बन रहे, जो कि अभी पार्क चालू नहीं हुए, जस्ट फोर में चालू हो जाएंगे। लमसम एक साल लगेंगे, मिनिमम एक साल लगेंगे, क्योंकि अवेलेबल सारा बिल्डिंग बना नहीं हुआ। 450 बिल्डिंग है गाइस, तो कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहे। और थोड़ा सा होली का इन लोग प्रोग्राम बना रहे, इस वजह से आपको थोड़ा सा दिखने को मिल रहा। थोड़ा कैमरा की ओर मैं दिखाना चाह रहा आप लोगों के बीच में, देख सकते हैं गाइस। ये गाइस आपको व्यू दिखने को मिल रहे, जो कि द्वारका सिटी का व्यू मिल रहे हैं। तो कितने सुंदर व्यू है दिख सकते हैं। और बगल में मोहल्ला भी है अपना मेरा, जो कि गडारा जस्ट फोर दिख सकते हैं। और यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं होली समारोह का, तो दिख सकते हैं गाइस। मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा सा दिखने और दिखाने के कार्य में बने हुए रहते, तो थोड़ा सा ऊपर का व्यू दिखा रहे आप लोगों को, देख सकते हैं कि कितना बिल्डिंग बना हुआ और कितना मस्त सोसाइटी लग रही गाइस, जो कि दिखने को आपको आ रहा है। जस्ट फोर आपको मैं पार्क भी दिखा दे रहा, जो कि व्हाइट कलर का जो टाइगर शेर है वही है। तो गाइस काफ़ी सुंदर व्यू दिखने को मिल रहा। सो गाइस थोड़ा सा मैं अपने आगे की ओर में कैमरा घुमा रहा, दिख सकते हैं कि काफ़ी सारा बिल्डिंग बना हुआ, जो कि आगे वास्तु विहार की ओर है। और जस्ट फोर बगल में प्लांट वगैरह भी है, कुछ डेंट का हॉस्पिटल वगैरह भी है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में दिखने और दिखाने का कारण बने हुए रहते गाइस। तो मैं फाइनली अपने सेंटोसा की ओर आप लोगों के बीच में थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करने ना भूलिएगा। इस तरह का वीडियो आपको मिलते ही रहते हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं हम आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि दिख सकते हैं गाइस। और जस्ट फोर यहाँ से 500 मीटर दूरी में आपको जीटी रोड NH2 हाईवे मिलेंगे, जो कि शेरशाह सूरी ने बनाए थे। वो हाईवे आपको नज़र आएंगे, जो दिल्ली टू कलकत्ता इसमें जा सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, दिख सकते हैं जो कि रोड का गाड़ी काफ़ी झारी है, जो कि नज़र नहीं आ रहे झाड़ में। जो आगे का अपोजिट लास्ट बिल्डिंग नज़र आ रहा है, उसके ऊपर में ही जस्ट फोर ये रोड है, जो काफ़ी दिख सकते हैं कि गाड़ी थोड़ी बहुत पार हो रही। कैमरा में लोड हो रही कि नहीं गाइस, पर गाड़ी तो पार हो रही अपने को नज़र आ रहा कहीं ना कहीं, भले कैमरा में नज़र नहीं आते वो तो अलग बात है। तो गाइस मैं आप लोगों के बीच में बने हुए रह रहे और थोड़ा सा दिखाने का व्यू का प्रयास में है। तो आप लोगों का ऑडियंसों का सपोर्ट है, जो कि बने रहते कहीं ना कहीं। तो चलिए गाइस फिर मैं आप लोगों के बीच में। सो गाइस चलिए, इन लोग भी होली का पार्टी मस्ती कर रहे हैं। हम लोग का रमज़ान का भी जो है कि त्यौहार चल रहा है, जो कि इतना शोर शराबा नहीं जिस तरह होती है प्रत्येक साल, तो इस तरह उस तरह नहीं है। क्योंकि देख सकते हैं गाइस रमज़ान का है, रोज़े का माहौल भी है, तो कहीं ना कहीं अब रोज़ा का माहौल में तो लोगों को मियाँ भाई देख सकते हैं कि नहीं मना सकते, कहीं ना कहीं अपने दिल में रखे होंगे। क्योंकि होली रमज़ान ये तो दिक्कत है, सिर्फ ओनली वन होते तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रंग एक अलग रहता है खेलने के मज़ा, जो सभी भाई सभी गाइस हिंदू मुस्लिम मिल के खेलते हैं और सभी अपने त्यौहार को मनाते हैं गाइस। तो फाइनली में आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये नहीं मिल रहे दिखने, जो कि लोगों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम समस्या है कि रोज़ा रखेंगे तो कैसे वो होली लगाएंगे, तो ये सब तो नहीं लगा सकते गाइस। तो इसलिए मियाँ भाई नहीं मना सकते, क्योंकि रोज़ेदार है, रोज़ा रखने वाले नहीं मना सकते, उसके लिए बहुत गुनाह है। और सभी का अपने अपने बरादरी कास्ट, जो कि अपने अपने आप में करते हैं, करना भी चाहिए लोगों के बीच में, जिसका जो त्यौहार है जो भी है वो लोगों के बीच में करना चाहिए। तो गाइस मैं चलिए फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।